जी हाँ, तो गोचर हो चुका है शनिदेव का मकर राशि से कुंभ राशि में, और उसके अकॉर्डिंग हर एक राशि के लिए कैसा इम्पैक्ट रहेगा उनका और पूरे साल के क्या रिजल्ट्स रहेंगी, क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वृश्चिक, धनु और मकर, इन राशियों पे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में, और आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि की। तो मेष राशि जिनकी है, जन्म राशि की बात हो रही है, लग्न राशि नहीं। सो जन्म राशि मतलब आप चंद्र लग्न ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी राशि मेष है तो ये जो भी प्रेडिक्शंस बताई जा रही हैं इसमें आप काफ़ी कुछ अपनी राशि से, अपने आप से रेजोनेट कर पाएंगे। सो जी हाँ, इस तरह से है। तो 17 जनवरी को, जैसा हम सबको पता है, शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में आ चुके हैं, जो कि आपके राशि, आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग बनता है 11th हाउस। सो 11th हाउस में आ चुके हैं शनिदेव, और 22 अप्रैल से जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति देव वो ट्रांजिट कर रहे हैं एरीज मेष राशि में, आपके फर्स्ट हाउस में। ओके, सो यहाँ पे जब वो ट्रांजिट करेंगे तो राहु ऑलरेडी आपके फर्स्ट हाउस में है अक्टूबर तक, तो वहाँ पे गुरु और राहु की युति हो जाएगी, जिससे गुरु चांडाल योग भी बनेगा। 30 अक्टूबर के बाद राहु जो है वो वापस मूव करेंगे पाइसेस यानी मीन राशि में, आपके 12वें भाव में। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल ईयर ओवरऑल, मैं आपको बता दूं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा साल जाने वाला है। सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक एक्स्ट्रा पुश, ज्यादा मेहनत करनी है, बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, एंड इसके साथ में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा एवरी टाइम, क्योंकि साल के शुरू में ही आप देख सकते हैं राहु जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं आपके। सो टिल अक्टूबर जब भी कोई डिसीजंस लेंगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा, तो ट्राई करें अगर पॉसिबल है डील्स को थोड़ा पोस्टपोन करना अक्टूबर तक, देन इट्स फाइन। नहीं पॉसिबल है तो बहुत सोच समझ के, ध्यान से, वाइजली डिसीजंस लीजिए और दीजिए। ठीक है, सो सिचुएशंस विल बी बेटर आफ्टर अक्टूबर इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस, राइट? कंफ्यूजन वाला पार्ट थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। कोई भी सिचुएशन आए ओवर रिएक्ट मत करें, थोड़ा काम रहने की ट्राई करें। ठीक है, एंड ट्रेवल्स आर ऑन द कार्ड्स, तो या ट्रैवल आपको बहुत दिख रहा है, कहीं अगर आपका फॉरेन ट्रैवल बन रहा है या बिजनेस ट्रैवल है या हॉलीडे ट्रिप बन रहा है तो डेफिनेटली दैट बी ऑन द कार्ड्स। या सो यस, विद दिस आपको ये दिखेगा कि लव रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ये वैसे तो ओवरऑल मैंने आपको कहा कि इट्स अ गुड पीरियड अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। रोमांटिकली एक रोमांटिक हॉलीडेज पे जा सकते हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं, कहीं पे भी अगर कोई डाउट आए बीच में, किसी ने कुछ कह दिया आपके स्पाउस के बारे में या कुछ और बात बता दी, तो प्लीज़ उसको तब तक विश्वास ना करें जब तक आप अपने आप उस चीज़ को ना देख लें। और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है सो समझ जाइए ये ग्रहों की चाल है, सिचुएशन ऐसी बनी है, आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, एडजस्ट करना है और काम रखना है अपने आप को। ठीक है, सो अपने स्पाउस पे ना डाउट करें ना ब्लेम करें, सिचुएशन को बैठ कर आराम से समझाएं और समझें, थिंग्स विल बी बेटर। जो लोग सिंगल हैं उनके कार्ड्स मैरिज के दिख रहे हैं। या और अगर हम फाइनेंसेस की बात करें, सो यस, ट्राई टू सेव मनी दिस टाइम, इस बार थोड़ा सा अपना स्पेंड अनवांटेड थिंग्स पे ना करके सेव करने की ट्राई करें। ओके, एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी बेटर ऑफ कोर्स। सो राहु विल कम टू द 12th हाउस, जब अक्टूबर के बाद राहु जो है वो 12th हाउस पे आ जाएंगे, सो वहाँ पे ट्रैवलिंग पे एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं और ट्रैवल इंक्रीज भी होगा, बट ठीक है, आपको लगता है अनवांटेड है तो थोड़ा कट कीजिए, नहीं तो यू कैन डू दैट। सो यस, एंड लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि थोड़ा फोकस हट सकता है, तो प्लीज़ ट्राई करें कि जितना हो सके थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि फोकस नहीं हो पा रहा है, अपने आप को रेजुवेनेट करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे साइंस में अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि ग्रह हैं जहाँ बैठे हैं, जिन हाउसेस में बैठे हैं वहाँ पे वो जैसा इम्पैक्ट दे रहे हैं उसी के हिसाब से हम बात करें, और हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। तो यस,
मोस्ट ऑफ लोगों के साथ में सेम सिचुएशंस दिखेंगी। तो बात यही है, अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा अपने आप को फोकस रखने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, अपने आप को फ्रेश कीजिए, वापस बाउंस बैक कीजिए अपने काम में। सो फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ वी टॉक अबाउट बिजनेस पीपल, सो यस, लॉट ऑफ सक्सेस इज अहेड, पर बिना मेहनत के तो वो भी नहीं मिलती ऑफ कोर्स। तो सक्सेस के लिए आपको मेहनत डबल करनी होगी, एंड क्योंकि आप काम करेंगे, बहुत सारा वर्क प्रेशर आएगा और उसके साथ में थोड़ा सा स्ट्रेस भी आएगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, और हमेशा ही है वैसे तो, लेकिन यस, प्लीज ट्राई टू मैनेज योर स्ट्रेस। काम रहें जितना हो सके, हर सिचुएशन को अच्छे से मैनेज करें, हैंडल करें, और स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, नहीं तो मेडिटेशन कीजिए। जॉब सेक्टर वाले लोग जो हैं, दे विल गेट गुड रिकग्निशन दिस टाइम फॉर देयर वर्क एंड एफर्ट्स ऑफ कोर्स। सो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी पॉजिटिव फॉर श्योर। इन दिस पीरियड आपको, आप नया कोई, आप व्हीकल खरीदने वाले हैं, कोई कार खरीदने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, या घर खरीदने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ रहे हैं। आप करेंगे तो स्मूथली चीजें हो जाएंगी। या सो यस, आप बिजनेस वाले लोग जो हैं, बिजनेसमैन, वो देखेंगे जब एंड ऑफ द ईयर आएगा, सो बिजनेस विल बी ऑन द डिफरेंट हाइट्स, सो यू विल श्योरली सी दैट। ओके, और हेल्थ में अगर मैंने बात की आपसे, तो यस, इट विल बी ऑल गुड दिस ईयर वैसे तो, पर थोड़ा सा बी केयरफुल अबाउट योर डाइट, योर लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आएं, डेली रूटीन में लेकर आएं, और जिससे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करेंगे। जनवरी से अगस्त तक थोड़ा सा जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला है अपनी सेहत का। स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग का चांस बन सकता है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हेल्दी डाइट रखें। जब आप ये सब करेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही नहीं आएंगी। और हाँ, थोड़ा सा जैसा मैंने आपको कहा, स्ट्रेस, तो या अगर मेडिटेशन करते हैं तो ये बात हमेशा से एलिमिनेट हो जाती है। तो ध्यान रखें अपना, शनि और गुरु के गुड इफेक्ट्स आपको पूरे साल में दिखेंगे। आप एक नए लेवल पे, एक न्यू हाइट पे आप अपने आप को पाएंगे एंड ऑफ द ईयर। छोटी सी रेमेडीज हैं, एक तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण पढ़ें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होगा। और पीले चावल यदि बृहस्पति देव और सरस्वती माँ को भोग लगाकर आप बांटें और खाएं तो बहुत अच्छा है, पीले चावल थर्सडे को। और अगर थर्सडे की फास्टिंग कर सकते हैं बींग स्टूडेंट या इन द बिजनेस, तो इट्स लाइक मोर देन एनीथिंग। बट यस, अगर आप पढ़ रहे हैं, फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, डेली बेसिस पे नहीं तो थर्सडे को हल्दी का और केसर का तिलक अपने माथे पे, फोरहेड पे लगाएं, सो यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ इट। या सो ठीक है, तो ये सारी बातें हुई मेष राशि के लिए। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर। आपको सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, यानी मेहनत करनी है। शनिदेव कुंभ राशि में आ गए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं आपकी मेहनत के। सो प्लीज ट्राई टू बी पॉजिटिव, फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेट करें अपने काम पे और मेहनत डबल कर दीजिए। ऑल राइट, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द डिफरेंट साइन। थैंक यू।